तो फाइनली देखो गाइस घर, फाइनली अभी देखो इसका एंड। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो, आई होप कि सब अच्छे हो। मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और गाइस आज 3 दिन के बाद निकलने वाला हूँ मार्केट। तो सोचा था नहीं निकलूँगा, लेकिन ज़रूरी काम पड़ गया तो निकलने वाला हूँ आज मार्केट। और गाइस तुम देख सकते हो अब निकल रहा हूँ। ठंडी का मौसम है, जैकेट ले लिया, पूरा ड्रेसिंग वेसिंग कर दिया, पूरा ड्रेस लगा लिया, कपड़ा ऊपर लगा लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कार को पूरा क्लीन एंड वॉश करके पूरा चकाचक करके रखा है। देखो यहाँ पे रखा है, पूरा चकाचक करके रखा था। सोचा था नहीं लेके नहीं निकलूँगा, गंदा हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ भाई, मजबूरी पड़ गया, निकलना पड़ रहा है। इसीलिए देखो यार वॉश करके चक पूरा क्लीन करके रखा था, अभी लेके निकलना पड़ेगा। तो चलिए निकलते। मेरा खेती है राजमा खेती, यहाँ पे पूरा हरा भरा राजमा खेती है, पूरा ग्रीन ग्रीन। तो गाइस लाइफ में तो सब बहुत अच्छे अच्छे घर में सोए होंगे, बहुत बड़े बड़े घर में सोए होंगे। ऐसा घर में आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। लाइफ में कौन कौन ऐसे घर में सोए थे पहले कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जब बचपन में था, छोटा था, तब मैं बहुत सोया था उस घर में, बहुत खेला था, कूदा था उसमें। तो आज फिर से आज उस घर में जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो गाइस घर, ये घर में बचपन में बहुत खेलता था, सोता था, कूदता था, इसका अंदर में बहुत खुशी करता था। इसलिए अभी इसका अंदर में घुस के देखता हूँ इसका अंदर में। अभी देखो इसका एंट्री गेट, ये जो है ये इसका एंट्री गेट है। और इसका अंदर में देखो यार, यहाँ पे देख सकते हो एक तकिया है, एक कंबल है, और ये नीचे में क्या है, एक खोड़ दे के रखा है, एक टॉर्च भी है यहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा है ना देखने में। कमेंट करके बताना कौन कौन इसमें ज़्यादा मस्ती करते थे पहले। आप लोगों तो एक छोटा सा घर दिखा दिया, बहुत बड़े बड़े घर में तो सब लोग सोए थे, खाए थे, खाना खाया था, पिया था, लेकिन ऐसे छोटे छोटे घर में बैठ के कौन ठंडी का मौसम में खाना खाया था, खेला था, मस्ती किया था। तो गाइस फाइनली कमेंट करके बताना। और जिसने जिसने जिसको जिसको ये घर पहले से याद है, मतलब बचपन का याद है, बचपन में ऐसा किया था, तो सभी सबको जिसको जिसको अच्छा लगता है, अभी अच्छा लगा इसको देख के, तो सब गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और ज़रूर कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को ये घर कैसा लगता था बचपन में। मेरे को तो मस्त लगता था यार। का अंदर बैठ के अभी इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, और इसको स्टार्ट करके थोड़ा इंजन को गर्म करूँगा, उसके बाद निकालूंगा। गाइस प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो यार, ज़रा सा भी सपोर्ट करने से कुछ भी नहीं होता यार, एक दूसरे को सपोर्ट करने से कुछ भी कम नहीं होता है किसी का। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में नए हो, मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो, थोड़ा भी वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि गाइस एक सब्सक्राइब बटन में दबाने से किसी का कुछ नुकसान भी नहीं होगा, कुछ बुरा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और एक बात सिर्फ आप लोगों की बाइक का एक फ़ायदा होगा, ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। आप लोग चाहते हो ना कि कोई मतलब ऊपर जाना चाह रहा है तो उसको ऊपर जाने की मतलब हेल्प करो, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल में नए आ रहे हो, मेरे वीडियो को वॉच थोड़ा सा भी वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। और चैनल में नया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब बटन जो पास में जो लाल लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उस बटन को दबा देना। और चैनल को यार सपोर्ट कर दो यार, आप लोगों के बाइक का चैनल है यार, सपोर्ट करो। आप लोग अगर सपोर्ट करो तो आगे जा पाऊंगा ना, अगर सपोर्ट नहीं करो तो नहीं करोगे तो आगे कैसे जाऊंगा। सबका मन में खुशी रहता है यार, सब जो सब बड़ा बड़ा यूट्यूबर है उन लोगों को सिर्फ सपोर्ट करोगे क्या, हमारे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करोगे क्या? आप लोग सपोर्ट करोगे तो शायद हम छोटा छोटा यूट्यूबर एक दिन बड़ा हो जाएंगे और बहुत लोगों को मदद कर सकेंगे। ये वही ख्वाहिश है हमारे अंदर कि हम भी बड़े यूट्यूबर जैसे बनूं और लोगों का मदद करूं, ये हमारा अंदर में खुशी है, ख्वाहिश है कि लोगों का मदद कर सक पाऊँ। इसीलिए बोल रहा हूँ यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कर। हमारा हिंदी तो टूटा फूटा है, आप लोगों को तो पता है, क्योंकि हम हमेशा घर पे हिंदी नहीं बोलते, सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं तो हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि हमारा जो व्यूअर्स है सबको पता चले हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, क्योंकि ये मेरा लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग है। इसीलिए हिंदी में हमारा टूटा फूटा हिंदी है भाई, इसका ऊपर कोई भी कमेंट मत करना, क्योंकि सबको पता है हमारा हिंदी
सॉलिड नहीं है। कुछ भी हो जाए हम हिंदुस्तान के ही है, हिंदी तो बोलना ही पड़ेगा हम लोगों को, ये हमारा राष्ट्रीय भाषा है, तो टोटा फोटा हिंदी में ही चलेगा, कोई बात नहीं।